नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है ईमानदार लक्कड़हारा। एक समय की बात है, एक गांव में श्यामू नाम का एक लक्कड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा ही भोजन जुटा पाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए अपने गांव से बहुत दूर नदी किनारे निकल पड़ा। उसने एक अच्छे से पेड़ की तलाश की। और कुछ ही देर बाद उसे एक अच्छा सा मोटी लकड़ी का पेड़ मिला। वो खुश हो गया और उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी और वो परेशान हो गया। वो घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा और वो रोने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इकलौती वही कुल्हाड़ी थी। हे भगवान, अब मैं कैसे कमाई करूं? अब मैं कैसे लकड़ियां काटूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। ये सुनते ही एक परी उस नदी में से निकल कर आई और उसने कहा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? मैं नदी में सो रही थी, तब मेरे पास एक कुल्हाड़ी आई। क्या वो कुल्हाड़ी तुम्हारी है? ये बात सुनकर श्यामू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ हाँ, वो मेरी ही कुल्हाड़ी है। लकड़ी काटते वक्त पानी में गिर गई थी। क्या आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दे देंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं एक गरीब किसान हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। जल की देवी ने कहा, चिंता मत करो। और वो अंदर गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। श्यामू को वो कुल्हाड़ी देने लगी तो श्यामू ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी वापस अंदर गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाई। श्यामू ने कहा, नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। श्यामू अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। परी ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही ईमानदार इंसान है। और वो श्यामू को उसकी कुल्हाड़ी लाकर उसके हाथ में दे देती है। श्यामू खुशी से बहुत खुश हो जाता है। अपनी कुल्हाड़ी पाकर श्यामू बहुत खुश हो जाता है। तभी परी बोलती है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार लक्कड़हारा हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी देती हूँ। चांदी और सोने की कुल्हाड़ी पाकर श्यामू और खुश हो जाता है और खुशी से अपने घर वापस लौट जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो आप इस कहानी में से कोई सा भी एक कैरेक्टर बनकर इस कहानी को उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ईमानदार लक्कड़हारा बन सकते हैं, आप चाहे तो पानी की वो जो परी है वो बन सकते हैं। और जैसे उन्होंने अपने डायलॉग बोले, उसी तरीके से आप भी अपने डायलॉग बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो घर पर इस वीडियो को एक्ट कीजिए, इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।